सहाबा किराम की महफिल में, अब इसको विजुलाइज कीजिए, हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम है, हुजूर सवाल करते हैं, अय्युल खल्क अअजबु इलैकुम ईमानन, जरा ये बताओ कि तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा हसीन और जमील ईमान किसका है। यहां एक लफ्ज नोट कर लीजिए, अअजब, अअजब है अजीब से, अजीब उर्दू में तो हम कहते हैं अजीब शय कि जो गैर मामूली सी शय है, एबनॉर्मल को भी अजीब कह देंगे, लेकिन ये कि अरबी में अजीब कहते हैं निहायत दिल रुबा, दिल खुशकुन, दिल को भाने वाली, पसंद आने वाली, मन को भाने वाली, वो शय अजीब है। अय्युल खल्क अअजबु इलैकुम ईमानन, तमाम मखलूकात में सबसे हसीन और जमील और दिल को लुभाने वाला ईमान किसका है। खिदर, यू आर फॉलोइंग, अंडरस्टैंडिंग? ओके, द आंसर ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज, सहाबा ने पहला जवाब जो दिया वो ये था, अल मलाइका, फरिश्तों का ईमान। हुज़ूर ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंदा रब्बिहिम, वो कैसे ईमान ना लाते, वो तो अपने रब के पास है, उनका कौन सा तीर मारा उन्होंने जो ईमान है, जब उनके सामने जन्नत भी है, उनके सामने दोजख भी है, वो तो अबू जहल के सामने भी आ जाए तो एक लम्हे में ईमान ले आएगा, तो वो कोई उनका ईमान की कोई हैसियत नहीं। वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंदा रब्बिहिम, वो तो अपने रब के पास है। दूसरे अटेम्प्ट में कहा फल अंबिया, नबियों का ईमान है, रसूलों का ईमान है। हुज़ूर ने फरमाया वमा लहुम ला युमिनून वल वहयु यंज़ुरु अलैहिम, वो कैसे ईमान ना लाते जबकि वही उन पर नाज़िल हुई। बड़ी हिम्मत और जुरत करके थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने अपने आप को पेश किया, फनाहनो, फिर हम हैं, हमारा ईमान है। वमा लकुम ला तुमिनून वाना बैन अज़हुरिकुम, तुम्हारा क्या कमाल है तुम ईमान ले आओ जबकि मैं तुम्हारे माँ बहन मौजूद हूं। मुजस्सम भट्टी के सामने बैठकर अगर गर्म हो गए तो कौन सा कमाल हो गया तुम्हारा। अब तीनों को रिजेक्ट करके हुजूर ने फरमाया इन अअजब अल खल्क इलैया ईमानन ला इबाद ला इख्वानन अल्लज़ीन यातून मिन बादी, मेरे नजदीक हसीन तरीन ईमान तमाम मखलूकात में हमारे उन भाइयों का होगा। बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, ला इख्वानन, हमारे भाई, यातून मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। यजदून सुहफन फीह किताबुल्लाह फयूमिनून बिमा फीहा, उन्हें तो कुछ औराक मिलेंगे जिनमें अल्लाह की किताब दर्ज होगी, उस पर ईमान लाए। ये गोया के ईमान आजब जिसका है, इसका ये मौका मेरे और आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन इसको कंपेयर कीजिएगा, ईमान अफजल सहाबा का है। हर लफ्ज की अपनी कॉनोटेशन है, उसमें कहीं गलती ना हो जाए। अदना से अदना सहाबी का ईमान अफजल है बड़े से बड़े वली और बड़े से बड़े किसी भी गैर सहाबी के ईमान से, अफजल और है, फजीलत और है, अजब और है, तन और है, तोला और है। लेकिन हो सकता है अल्लाह की निगाह में किसी का एक तोला किसी के दूसरे के टन के मुकाबले में कीमती हो। किसी शख्स के पास दो टन सोना रखा हुआ था, उसने एक टन लाकर दे दिया, और किसी के पास एक तोला ही था, उसने तोला ही लाकर दे दिया, तो तोला ज्यादा कीमती है या एक टन? रिलेटिव वैल्यू के एतबार से बड़ा फर्क हो जाएगा। क्वांटिटी वाइज टन बहुत ज्यादा, तोला बहुत कम है, लेकिन वो जो टन लेकर आया वो एक टन छोड़कर भी आया है, वो तो 50% मार्क्स ले गया, और जिसके पास तोला था तोला ले आया वो 100% ले गया, तो कामयाब बहुत ज्यादा। इस एतबार से अफजल और आजब का फर्क रखिएगा। अफजल ईमान सहाबा किराम का है, आजब ईमान ये बात के आने वाले जो इस कुरान मजीद के अंदर तदब्बुर करके और फिक्र करके इसमें बकौल इकबाल गौता जनी करके, कुरान में हो गौता जन है मर्द मुसलमान, और यहां से जब वो ईमान और यकीन की कैफियत हासिल करते हैं तो इन अअजब अल खल्क इलैया ईमानन ला इख्वानन अल्लज़ीन यातून मिन बादी यजदून सुहफन फीह किताबुल्लाह फयूमिनून बिमा फीहा।